तो यूपी की सियासत के एपिसेंटर में अब मदरसा है। योगी सरकार आमादा है, योगी के मदरसों पर पूरी निगाहें हैं और इसीलिए योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की तैयारी की है। लेकिन योगी सरकार का ये कदम ओवैसी जैसे नेताओं को रास नहीं आ रहा है और वो इसे ठीक नहीं बता रहे। ओवैसी ने तो योगी सरकार के फैसले के विरोध में आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला क्या किया, विवादों का भूचाल आ गया, बयानों का नया घमासान शुरू हो गया जिसमें इस कदम के खिलाफ सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी खड़े दिखे। ओवैसी ने देर रात एक नया ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ओवैसी ने एक लेख का हवाला दिया जिसमें आरएसएस को बम बनाने के आरोप पर कटघरे में खड़ा किया गया है और ये पूछा है कि आखिर आरएसएस से जुड़े संगठनों का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। ओवैसी कल से योगी सरकार के फैसले पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ओवैसी इसे योगी सरकार के इस आदेश से इस कदर उखड़ गए हैं कि इसे छोटा एनआरसी बताने की हद तक पहुंच गए। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। ये बात केवल विपक्षी दल जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उनके नेता करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों का विकास नहीं चाहते हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आज मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे ले रहा है। हमेशा उन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हम मुसलमानों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने काम किया है। सवाल है कि जिस कदम से ओवैसी इतने गुस्से में हैं, क्या वो इतना एतराज के काबिल भी है? दरअसल यूपी में सर्वे के जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार की निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इन मदरसों में जाने वाले छात्रों को क्या पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है और उनका चयन किस आधार पर होता है, और सबसे अहम, इन मदरसों के संचालन के लिए इनके मालिकों के पास पैसा कहां से आता है। इस सर्वे से हमारा मकसद ये है कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, उसका सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो। योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी एजेंसियों के रडार पर लाना चाहती है। मदरसों पर लगातार उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे कराने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। ये सभी डीएम 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए एक टीम बनाएंगे और ये टीम जो रिपोर्ट तैयार करेगी उस रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को भेजना होगा। उत्तर प्रदेश में अचानक मदरसों के सर्वे की वजह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है जिसने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अनुरोध किया और सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को फौरन सर्वे करने का आदेश दिया। लेकिन अब इस पर भी मजहबी सियासत हो रही है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।